Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake us. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद सब ठीक होगा अल्लाह का शुक्र हम सब ठीक हैं तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी चिकन भिंडी में जो उस्मान कट करके दे रहे हैं क्योंकि टू थ्री डेज से ना मेरी जो शोल्डर है राइट साइड का साथ ही नेक बहुत पेन कर रहा था कुकिंग करने को भी दिल नहीं कर रहा था तो उस्मान ने मुझे भिंडी कट करके दे दी थी और जो हेल्पर थी उसने मुझे अनियंस वगैरह कट करके दे दिए थे तो मैं सिर्फ कुकिंग कर रही हूँ भिंडी चिकन बना रही हूँ जो मुझे अहमद उस्मान को काफी पसंद है आमना को बिल्कुल भी भिंडी नहीं पसंद तो मैंने यही सोचा था जब चिकन और उसका मसाला रेडी कर लूंगी ना तो वो थोड़ा सा आमना के लिए सेपरेट करके रख लूंगी सबसे पहले मैंने भिंडी को फ्राई कर लेना होता है फ्राई मैं इतना ही करती हूँ कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए जिस तरह से वो सॉफ्ट होती है उसको निकाल लेती हूँ उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था प्याज प्याज को आपने सिर्फ इतना सा सॉफ्ट करना है ज्यादा उसको ब्राउन कलर नहीं देना सिर्फ हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तो उसके अंदर चिकन डाल दें चिकन डालने के बाद तीन से चार मिनट अच्छी तरह से इसको पकाएं उसके बाद लहसन और टमाटर की पेस्ट ऐड कर दें स्पाइसेस में आपको चाहिए नमक लाल मिर्च का पाउडर हल्दी धनिया पाउडर मैं थोड़ा सा ज्यादा यूज करती हूँ साथ ही मैंने ऐड कर दिया था ज़ीरा जो भी क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स है आपको नीचे मैं मेंशन कर दूंगी वहां से जाके देख लीजिएगा बस अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है पाँच सात मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद कसूरी मेथी अचार गोश्त मसाला ऐड कर दें अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला नहीं तो कोरमा मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा टेस्ट जो है ना अचार गोश्त मसाले से आएगा पंद्रह मिनट लगेंगे आप चिकन को अच्छी तरह से टेंडर कर लें टेंडर करने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें जिस तरह से अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी ऑयल रिलीज हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने फ्राई की हुई भिंडी है ना वो आपने ऐड कर देनी है साथ ही मैंने एक प्याज भी डाल दिया आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना जब भिंडी हम दम पे रखते हैं ना तब तक ये जो प्याज है ना ये हल्का हल्का सा सॉफ्ट और क्रंची हो जाता है जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसलिए इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना जब भिंडी डालें साथ एक प्याज भी डाल दिया करें और इसको दम पे रख दें पाँच सात मिनट मैंने दम पे रखा था हमारा भी खाना रेडी हो चुका था और भिंडी डालने से पहले जब मैंने चिकन को अच्छी तरह से भूना था ना तो मैंने आमना के लिए भी निकाल दिया था ताकि आमना भी हैप्पी हो जाए और हम भी हैप्पी हो जाए सुबह जो नाचता था ना उस्मान ने हमें बाहर से करवा दिया था मैंने और उस्मान ने नान चने खाए थे बच्चों ने हलवा पूड़ी खा ली थी तो मैंने नान थोड़े से एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे क्योंकि दोपहर और रात को ना ये नान गरम करके खाओ ना किसी भी सालन के साथ तो काफ़ी मज़ा आता है तो मुझे पता था कि भिंडी चिकन का सालन बनाना है और हम लोग ये नान गरम करके शौक से भी खा लेते हैं तो बस यहाँ पे किसी ने भी रोटी नहीं पकवाई थी सब ये कह रहे थे कि हमने नान गरम करके हमें दे दो तो बस यहाँ पे नान को हल्का हल्का पानी लगा के ना तवे के ऊपर रख दे दोनों साइडों पर ऑयल लगा दे तो बहुत ही मज़े के गर्म गरम लगते हैं तो बस यही हम लोगों ने खा लिए थे और यहाँ पे ये जो हेल्पर है यहाँ पे सारे घर की सफाई वगैरह भी हो रही थी तो आज सबसे मेन काम मेरा ये था कि अपनी जो है ना इसको मैंने साफ भी करना है और ऑर्गेनाइज भी करना है काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको ना पहले ऑर्गेनाइज भी करूं साथ ही क्लीन वगैरह भी कर लूँगी और कुकिंग भी मैंने इसी वजह से आज जल्दी कर ली थी कि फ्री जल्दी हो जाऊँगी ना तो ये कर लूँगी इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है लेकिन कभी कभी टाइम नहीं लग रहा होता है। जब टाइम लगता है तो दिल नहीं करता तो मैंने कहा आज सबसे पहले ये काम मैंने अपना करना है उसके बाद ही कोई नेक्स्ट काम करूँगी यहाँ पे जितने भी मेरे आउटफिट्स थे सारे मैंने बाहर निकाल दिए ताकि जो मेरी कबर्ड है ना उसको मैंने खाली करना था क्योंकि उसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन करना है तो यहाँ पर शीट को भी क्लीन करूंगी इस रॉड को भी क्लीन करूंगी तो क्लीन मैं किससे कर रही हूँ ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ क्लीनर शेयर किया हुआ है पानी सिरका और डिश वॉश लिक्विड जिससे हम बर्तन धोते हैं पानी और सिरका आपने बिल्कुल एक बराबर लेना है ठीक है अगर आधा कप पानी ले रहे हैं आधा सिरका ले लें टू टेबल स्पून उसके अंदर डिश वॉश लिक्विड डाल के एक स्प्रे बोतल में अच्छी तरह से शेक कर लें जो भी इससे आप साफ करेंगे इतना अच्छा उसको चमका देगा बहुत अच्छा वर्क करता है इसलिए इसके घर में बना के रख लिया करें उससे देखें मैंने शीट भी साफ़ की है कितना ज़्यादा उसमें से डस्ट निकला है ये जो रॉड है जिसमें हम हैंगिंग करते हैं इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया कबड़ को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ये कुछ हैंगर्स मेरे पास पड़े हुए थे तो मैं सोच रही थी मैं जितने भी आउटफिट मेरी कबड़ में है ना इनको मैं एक ही हैंगर में एक ही तरह के हैंगर्स में रख देती हूँ ताकि ये जो मल्टी होते हैं ना जिसमें वाइट पिंक सारे मल्टी शेड के हैंगर्स थे तो चले ये ब्राउन कलर के ना कबड़ के अंदर सारे इक्वल एक ही हैंगर लगेंगे तो ये देखेंगे जो मेरा ड्रेस है ना जो मैं आउटफिट दिखा रही हूँ ये मेरी कजन की शादी पे मैंने पहना हुआ था और ये बहुत ही अच्छा है इसका जो कलर है ना और ये फुल आप कह लें कि फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है जिसके ऊपर बीट्स भी लगे हुए हैं ये जो सेकंड आउटफिट है ये मुझे उस्मान ने दिया था ये मैंने पहना था अपनी कजन के उपटन पे पहना था और इसका फ्रंट भी देखे सारा तिल्ले का काम हुआ हुआ इसकी बैक साइड भी बहुत अच्छी है और ये देखे मैं आपको फुल इसका भी दिखा देती हूँ इसकी सारी डिटेल्स आप देख लें अगर आपको किसी भी आउटफिट की डिटेल्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ये भी मेरा फेवरेट आउटफिट है क्योंकि एक तो ब्लैक कलर है ऊपर से इसको मुझे लिए हुए भी थ्री फोर इयर्स हो चुके हैं टू थ्री वेडिंग्स पर पे मैं, मैंने पेन भी लिया है और ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ इसकी एम्ब्रॉयडरी भी जरा ख़राब नहीं हुई और आपको पता है ब्लैक कलर के ऊपर कोई भी कलर की एम्ब्रॉयडरी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मेरा सबसे फेवरेट आउटफिट है और ये जो आउटफिट है ये मुझे उस माँ ने गिफ्ट किया था आमना अहमद की बर्थडे थी तब मैंने ये पहना था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो सेलिब्रेशन की है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूंगी वहाँ से जाके देख लीजिएगा फुल हैवी इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई है फ्रंट के ऊपर ये इसकी स्लीव्स हैं कलर बहुत अच्छा और ये मेरा फेवरेट आउटफिट है नेक्स्ट आउटफिट जो है ये मैंने क्रिज्मा से लिया था अपने कजन की इंगेजमेंट के लिए जो इसकी जैकेट है इसके ऊपर आप देख सकते हैं फुल एम्ब्रॉयडरी है टिश्यू के इसके स्लीव है जिसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे स्लिप है साथ ही ब्लैक कलर का ट्राउजर है ये विदाउट दुबट्टा था नेक्स्ट आउटफिट ये है ये जो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज से लिया था उनके पास बहुत अच्छी आउटफिट्स हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे डीएम करें मैं वहां पे उनका लिंक दे दूंगी ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा कलर है एम्ब्रॉयडरी हुई है लेकिन थोड़ी सी लाइट एम्ब्रॉयडरी है और आप देख सकते हैं नेक के पास पर्ल्स का, का काम हुआ हुआ है दुबट्टा इसका बहुत अच्छा है और ये देख सकते हैं नीचे से मैंने ओपन की शर्ट रखवाई थी और इसकी जो स्लीवस है टिश्यू के ऊपर है जिसके ऊपर भी ये देखे हल्के हल्के तारों का काम हुआ हुआ है ये जो नेक्स्ट आउटफिट है ये लाइमलाइट का ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी सिस्टर की तरफ से मुझे बर्थडे उसने ये के दिया था जिसमें नेट का गाउन है जिसके नीचे शर्ट है ना उसपे एम्ब्रॉयडरी हुई है कलर बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्ट और ये कलर भी मेरा फेवरेट है इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना इस तरह के आउटफिट्स में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और ये जस्ट अभी मैंने वन दफा ही पहना है और ये नेक इसकी बिल्कुल जो हैवी एम्ब्रॉयडरी में है और जो इसका ट्राउजर है ना वो सिल्क में है और ये भी मेरा फेवरेट आउटफिट है बॉटल ग्रीन इसका कलर है ब्लैक कलर का सीक्वेंस का काम है इसे भी ली हुए मुझे थ्री इयर्स हो चुके हैं और मैंने बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया है और बस इस तरह के जो कपड़े होते हैं इवेंट्स पे या वेडिंग्स वगैरह पे कुछ मैं हैंग कर लेती हूँ कुछ मैंने बैग्स में रखे होते हैं क्योंकि आपको पता है कबर्स वगैरह में इतनी स्पेस तो होती नहीं है तो जो नॉर्मल होते हैं या ज़्यादा आने जाने वाले कपड़े होते हैं जो लाहौर लेके जाने वाले कपड़े होते हैं वो मैं रख लेती हूँ बाकी सबको मैंने बैग्स में पैक करके रखा होता है ये जो आउटफिट है मैंने आपको बताया था कि मुझे पी आया था छोटी ईद पे इंस्टाग्राम पे इनका जो पेज है वो मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ले दूँगी अब उनकी न्यू लेटेस्ट भी आउटफिट्स आए हैं वो भी आप जाके चेक कर लीजिएगा ये जो आउटफिट है ये भी लॉन का है फुल एम्ब्रॉयडरी भी है इसके ऊपर तिल्ले का काम है ये भी मुझे उस्मान ने लेके दिया था और इसके ऊपर जो मैंने बटन्स लगाए हैं वो टिकटॉक के लगाए हुए हैं और ये जो आउटफिट है मैंने रिसेंटली अपने ब्रदर इन लॉ की बर्थडे पे पहना था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ऊपर लिंक दे दूंगी जाके देख लीजिएगा अब जितने भी मैं आपके साथ ड्रेस दिखाने लगी हूँ ना शेयर करने लगी हूँ वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें समर के जितने भी डिजाइन है जो भी कलेक्शन मैंने ली है वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है बार बार उन चीज़ों को शेयर करना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी तो ऊपर लिंक दे दूंगी वहां से जाके देख लीजिएगा सारे आपको वहां पे डिजाइन भी मिल जाएंगे ऑलरेडी सारी डिटेल्स भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है और आप किसी नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों के साथ शू कलेक्शन है वो शेयर करूंगी कि मैं कैजुअल किस तरह की मेरे पास कलेक्शन है शूज़ की या इवेंट्स वगैरह पे जो कलेक्शन है मेरे पास शूज़ की वो किस तरह की है अब वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और इसके अलावा ये देखिए जो हैंगर्स हैं ये देखिए इक्वल हो गए हैं मल्टी कलर नहीं है सारे इक्वल एक जैसे लगते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें अपना ख्याल रखें ला